इस प्रेम की स्थिति को देखकर भगवान ने कहा था, ये 10:31 है श्लोक भागवत का। तो भगवान ने कहा था, मैं इन गोपियों के ऋण से देवताओं की उम्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं की बड़ी बड़ी उम्र होती है, ब्रह्मा की उम्र को देखो, 3,110,40,000,000,000 वर्ष की उम्र होती है। और ये जो साधारण देवता है, इनकी भी उम्र 6 महीने की रात 6 महीने का दिन, यानी हमारा 1 साल उनका 1 दिन। तो इतनी बड़ी उम्र भी मिल जाए तो भी मैं गोपियों के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। अरे मेरे पास जो कुछ है गोलोक वगैरह, ये तो मैं पूतना को दिए दिया मैंने, जो हमको जहर लगा के पिलाया उसने। पूतना लोक बालघ्नी, पूतना को कंस ने आदेश दिया कि हमको ये ऐसी आकाशवाणी हुई है, जब यशोदा की लड़की को मारा पटक करके तो मरी तो ही नहीं, वो आकाश में चली गई, गायब हो गई। और ये कहते हुए गायब हुई, अरे गधे हमको क्या मारेगा तू, तेरा मारने वाला तो इसी ब्रज में है, आ गया। तो उसने कहा आ गया, सबको बुलाया मंत्रिमंडल को, और उन्होंने कहा ऐसा करो भाई कि सारे बच्चों को मार दो जो 1 महीने के अंदर पैदा हुए हैं, उसी में वो भी होगा जो हमको मारने के लिए आ गया है। तो कौन इसके लिए जाए, उनका पूतना बढ़िया रहेगी, क्योंकि पूतना स्त्री है और वो तमाम रूप धारण कर सकती है, वो स्त्री बन के जाएगी, कहीं भी घुस जाएगी, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, सुंदरी स्त्री बन के जाएगी और हर बच्चे को गोद में ले सकती है और लेके उड़ जाए और मार दे। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है, उन्होंने कहा अच्छा ये चुड़ैल आ रही है मारने हमारे सब सखाओं को। तो उसने अंदर प्रेरणा किया, पहले मेरे पास आ, चाबी तो वही घुमाते हैं ना सबके हृदय में। उन्होंने कहा पहले अपने ही पास बुला लेते हैं इसको। तो अपना उसने पहले देखा बड़ा महल है ये, यहीं चलो नंद के। बड़ी सुंदर स्त्री बनकर, जैसी अपने इंडिया में कोई ना हो। तो लेफ्ट राइट बड़े ठाट से सब हरिधार हट गए देख के, अरे ये कोई महारानी की भी रानी है, इसे मत रोको। कमरे में जहां आखिर में यशोदा मैया का कमरा था और ठाकुर जी पालने में थे, अभी 6 दिन के सब बैठी थी यशोदा वगैरह, कोई बोल नहीं सकी, पूछ नहीं सकी कहां से आई है तू, सबका बिल्कुल बंद कर दिया उसने मुंह अपनी पावर से, और बैठ गई। और बड़ी मुस्कुरा के, जैसे आप लोग किसी रिश्तेदार की लड़के लड़की को गोद में लेकर ऐसे ऐसे करते हैं। एक दिन तो उसने भी ऐसे किया और चूमा उमा
ठाकुर जी मुस्कुराते रहे, अच्छा अच्छा चूम ले चूम ले। दो चार क्षण और उसके बाद लेके उड़ी। सब देखती रह गई, अरे कहाँ गई, अरे अब छाती पीट रही है यशोदा मैया साहब वगैरह वगैरह हुआ। फिर 12 मील की लंबी, 12 मील हो गई आकाश में। तो जब इतनी लंबी हो गई कि अब तो गिर जाएगा, अपने आप मर जाएगा, क्योंकि छोटा सा मुंह ठाकुर जी का और पूतना का स्तन कितना बड़ा, 20-25 फुट की चौड़ाई, तो वो मुंह में कैसे आएगा स्तन, अब वो तो अपने आप। लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं उसको, अपना मुंह बड़ा कर दिया। चल तू कितना बड़ा करेगी, अस्तन मुंह में डाले रहे और प्राण खींचते रहे। और विष के लिए शंकर जी को बुला लिया कि भाई तुम्हारा आहार है, ले अपना। और वो हाय हाय छोड़ दे चिल्ला रही थी, सामुंच मुंचे थी, अरे छोड़ दे मर जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा देख अब तू पिछले जन्म में राजा बलि की लड़की थी रत्नमाला, जब मैं बामन बनकर गया था तो तूने मन में सोचा था अरे अगर ये मेरा बेटा होता इतना सुंदर और दूध पीता मेरा तो कितना सुख मिलता। तो मैंने वरदान दिया था इशारे में, ठीक है आ जाना कृष्णावतार में, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं तुझको, अपने लोक ले जाऊंगा। खैर वो गिरी और 12 मील के पेड़ गिर गए सब ब्रिज में, बड़ा भारी उत्पात जैसे प्रलय का होता है ऐसी आवाज आई। सारे ब्रजवासी ने कहा ओ लाला तो गए, अब भलाई इतनी लंबी चौड़ी गिरी है इतने ऊपर से, तो कोई 6 दिन का बच्चा जिंदा रहेगा। सब बहुत दौड़े भागे और सीढ़ी लगा करके उसके अस्तन से ठाकुर जी को उठाया, अरे तू जिंदा है। अब उसको जलावे कैसे पूतना को, ये 12 मील लंबी लाश को कौन उठावे कौन जलावे। तो सब ब्रजवासियों ने कहा देखो भाई सब लोग कुल्हाड़ी लाओ, इसको काटो 100 टुकड़े, फिर एक एक टुकड़े को जलाओ, और क्या करोगे। लेकिन जब जलाया तो ऐसी खुशबू आई, संसारी आदमी को जलाओगे तो बदबू आती है ना, लेकिन वो ऐसी खुशबू आई कि सबको आश्चर्य। तो उस पूतना को गोलोक दे दिया, तो गोपियों को क्या देंगे भला, है क्या और उसके आगे उनके पास। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ था, सद्वेषा दिव पूतना पिसकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। ठाकुर जी एक बात पूछूं, हाँ पूछो पूछो। ये जो जहर मिला करके लगा करके अस्तन में आई थी पूतना,
और मनसा से कि मार डालूंगी। ऐसा जहर था वो कि होठ में छू जाए और मर जाए बच्चा, इतना भयंकर था। और उसको आपने अपना लोक दे दिया। हाँ दे दिया। तो फिर जिन गोपियों ने लोक वेद समाज सब का परित्याग करके पति बच्चे सब भाड़ में जाए और आपके लिए समर्पित हुई, उनको क्या दोगे? ठाकुर जी ने सिर नीचे कर लिया, ऋणी रहेंगे। हनुमान जी से कहा था राम ने, एक ही कस्योपकारेण, हनुमान अगर मैं प्राण दे दूं तो एक उपकार से ऋण होऊंगा और शेषे और बाकी से ऋणिनो वयम, हम ऋणी ही रहेंगे। भक्तों के प्रति भगवान के ये उद्गार हैं, इतना प्यार करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक दिन कि नौ योगीश्वरों ने एक दिन आकाश से घूमते हुए और राजा निमि निष्काम यज्ञ करा रहे थे वहां पहुंच गए। उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया, पूजा आरती की, तो उसमें से कबी नाम के जो पहले योगीश्वर थे उनसे प्रश्न किया था। निमि विदेह थे वो राजा जनक की तरह, लेकिन फिर भी महापुरुष के पास महापुरुष जाता है तो एक्टिंग करते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं कि हम अल्पज्ञ हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये सब बाद में लोग पढ़ेंगे और उनका लाभ होगा। हाँ, बड़े बड़े ब्रह्मांड नायक भगवान शंकर की लादिनी शक्ति पार्वती, वो एक्टिंग करती है, आप सुन के हंसेंगे। क्या डाउट हुआ उनको? शंकर जी ने राम को प्रणाम किया। और ब्रह्म कह करके ये क्यों किया? शंकर जगत बंद जगदीशा, वो तो जगदीश है हमारे पति, तो जगदीश तो सुप्रीम पावर होती है, संसार का अध्यक्ष तो केवल भगवान है, उसको कृष्ण कहो राम कहो कुछ कहो शंकर कहो। और सो नृप तनय कीन पर नामा कही सच्चिदानंद ब्रह्म, कह करके प्रणाम किया। तो तुम माथा टनका उनका पार्वती का कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, जो सर्व व्यापक है। हाँ, तो सो की देह धरी हो ये नर, वो भला साकार हो सकता है? इम्पॉसिबल। यानी निराकार साकार नहीं हो सकता भगवान भी, और हम लोग भी निराकार हैं, ये मैं और साकार होके घूम रहे हैं 84 लाख प्रकार का साकार। और भगवान नहीं हो सकता, उसको लिए कर्फ्यू है कि तुम शरीर धारण नहीं कर सकते। माना कि तुम सत्य संकल्प हो,
माना कि तुमने संकल्प से साकार संसार बना दिया, सब निराकार जीव जो तुम्हारे अंदर थे उनको साकार शरीर दे दिया, लेकिन तुम शरीर धारण नहीं कर सकते। ये शंका पार्वती को, तुम इतने बच्चे बैठे हो लेकिन कम से कम हमारे उपदेश से गधे को भी डांट दो, क्या बकते हो, भगवान साकार नहीं हो सकता। अरे साकार तो तुम्हारा संसार ही बना है निराकार से। तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाशा संभूता, आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्ने रापा, ये हो रहा है ना साकार आकाश से संसार। ये एक्टिंग है। और फिर उसके बाद आप लोग सब पढ़े ये रामायण, तो अंत में शंकर जी ने कहा राम कृपा ते पार्वती सपने हूं तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। अरे भगवत प्राप्ति के बाद किसी को ऐसा अज्ञान आएगा, ये तो गधा भी नहीं बात को मानेगा। अरे साधारण विद्वान भी जानता है भगवान के दो रूप है निराकार साकार, केवल निराकार की डिंडिम घोष करने वाले भगवान शंकराचार्य ने भी मान लिया था, द्विधम ही ब्रह्म अवगम्यते। तो पार्वती को भला शंका होगी, तदपि अशंका की नौ जोई कहत सुनत सब कर ही तो होई। वो तो इसलिए डाउट किया था कि हम ये ऐसा करेंगे तो पढ़ेंगे लोग तो कहेंगे देखो पार्वती को डाउट हुआ था तो शंकर जी ने परित्याग कर दिया था। ये डाउट मत करना कोई भगवान के बारे में, ये गधे भी सावधान हो जाएं। इसलिए तमाम शास्त्रों में बड़े बड़े महापुरुषों ने महापुरुषों से भगवान से, जैसे उद्धव श्री कृष्ण से और बड़े बड़े भरद्वाज वगैरह का सब वृत्तांत आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। अर्जुन को देख लो, महाभारत के पहले द्वारिका में तो वो इतना ज्ञान रखता है कि बिना हथियार के श्री कृष्ण को लेंगे, 18 क्षौहिणी सेना हथियार जो वो नहीं लेंगे। और जब युद्ध का मामला सामने आ गया, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय, श्री कृष्ण रथ खड़ा करो बीच में अब युद्ध होगा। ठाकुर जी स्वार्थी बने थे, उन्होंने कहा यस ऑर्डर को मानेंगे, नौकर है इस समय, खड़ा कर दिया, मुआयना किया। कृष्ण भगवान भगवान तो मानता नहीं था, वो मैं युद्ध नहीं करूंगा। नयोत्स्य इति गोविंदो मुक्त्वा तूष्णी बभूव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार रख दिया। अब श्री कृष्ण हक्का बक्का, अरे ये क्या हो गया इसको, क्या इसको मालूम नहीं था किससे युद्ध करना है? और जब मालूम था क्योंकि दुर्योधन भी गया था मांगने, दोनों बैठे थे द्वारिका में एक साथ, और इसने हमको मांगा बिना हथियार के, तो ये हमको कुछ जानता होगा, भगवान भगवान कभी तो माना, ये क्या कह रहा है, युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चाचा मामा ताऊ वगैरह हैं, इनको मारेंगे पाप होगा नरक होगा।
ये ठाकुर जी को ही लेक्चर दे गया अपने गुरु को, और गुरु कह रहा है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम शरणागत भी हूं। शिष्य और गुरु को उपदेश भी दे रहा हूं, ऐसा है कि ये पाप होगा और ये होगा, स्त्रियां विधवा होंगी और ये होगा। तो ये सब महापुरुषों के इतिहास जो इस प्रकार के हैं, तो उसमें बुद्धिमान व्यक्ति ये खोपड़ी में नहीं लाता। अर्जुन अज्ञानी था, पार्वती अज्ञानी थी, गरुड़ अज्ञानी थे, ये अज्ञानी प्रज्ञानी नहीं थे। ये तो नाटक किया उन्होंने हम लोगों के कल्याण के लिए। तो महापुरुषों को समझने में बड़ी कठिनता इसीलिए है, उनका दो विरोधी व्यवहार हम तो व्यवहार से देखते हैं, निर्णय करते हैं, भीतर तो हम घुस नहीं सकते किसी के। अगर भीतर घुसने की शक्ति हो कि अरे कुछ बोला करे, अंदर घुस के देखते हैं, ऐसी शक्ति तो है नहीं।